हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब के खजूरों के बाग में। सऊदी अरब में वैसे तो हमेशा से अरब में खजूरों की ही खेती हुई है और अच्छी खासी खेती हुई है। आजीविका का बहुत बड़ा साधन खजूर ही रहा है। या तो बकरियां और ऊंट पाले जाते रहे हैं और आज भी पाले जाते हैं। अब ये जुलाई का महीना है और देख रहे हैं आप, खजूर लगभग तैयार हो चुकी है। इसके सीजन की शुरुआत होती है, फूल आने शुरू हो जाते हैं फरवरी में, 15 फरवरी के बाद, और बड़ी अच्छी खेती होती है। इसके अलावा बाकी जगह पे आप देखेंगे तो 5-7 गुच्छे नज़र आते हैं खजूर के, लेकिन निकलते हैं यहाँ पे 12, 15 और 18 फूल के गुच्छे निकलते हैं। और जब इनमें मार्च अप्रैल के महीने तक दाने ठीक से बैठ जाते हैं तो उनमें से ज़्यादातर गुच्छों को काट दिया जाता है। 5, 7 या 9 गुच्छे रखे जाते हैं। इससे खजूर की क्वालिटी बड़ी बेहतर हो जाती है। ये जो खजूर है इसका साइज बढ़ जाता है और खूबसूरती भी बढ़ जाती है। इस मजरे में देखिए माल्टा केनू के भी पेड़ लगे हैं, 1.5 साल 2 साल पुराने हैं। इस ज़मीन में जो रेगिस्तानी इलाका होता है इनमें नींबू और संतरे, इसकी खेती बड़ी ज़बरदस्त होती है। और खजूर पहले नंबर पे आता है और हमेशा से यहाँ पे अरब में खजूर रहा है। इसके अलावा जैतून की भी बड़ी ज़बरदस्त खेती होती है और बहुत ही मुफीद चीज़ होती है जैतून। उसका ऑयल, जैतून भी और पत्तियाँ तक बिक जाती हैं। पत्तियों का इस्तेमाल जैतून का होता है कॉफ़ी बनाने में। अभी आप फ़िलहाल खजूर का बाग देख रहे हैं, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत बाग और काफ़ी बड़ा बाग है और पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। इसकी फसल तैयार होती है जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर में एंड हो जाता है, 15 सितंबर तक। कुछ किस्में हैं वो जो जल्दी पकनी शुरू हो जाती हैं, जुलाई में ही शुरू हो जाती हैं। कुछ किस्में हैं 15 जुलाई के बाद, कुछ हैं वो अगस्त में शुरुआत होती है। और सबसे अच्छी जो खजूर होती है, जो अच्छी मानी जाती है, उसे कहते हैं अजवा। उसका साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन बहुत ब्लैक कलर की काली होती है, बड़ी टेस्टी, और कई बीमारियों में उसका इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, दवाई के तौर पर। उसके अलावा जो साइज में सबसे बड़ी खजूर होती है वो ज़्यादातर हमने तो देखा है कि मजदूल या तो अंबर, ये दो खजूरें साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं और ख़ूबसूरत भी होती हैं। खजूर तो वैसे सभी खूबसूरत होती हैं, मीठी होती हैं बहुत ज़्यादा, इसमें शक ही नहीं है। लेकिन ज़्यादा साइज में जो सबसे ज़्यादा लार्ज साइज होती है बड़ी, वो होती है मजदूल खजूर। और ये देखिए, ये माल्टा का पेड़ है, काफ़ी मीठा फल होता है और यहाँ पैदाइश इसकी भी काफ़ी अच्छी होती है, पैदाइश बहुत बढ़िया होती है। खजूर, जैतून और माल्टा, ये तीन चीज़ों की पैदाइश ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी तो कुछ ना कुछ अब धीरे धीरे सब पैदा होने लगा है। और इन्हें पानी देखो इस तरह, गर्मियों में हफ्ते में 3 बार दिया जाता है और जब ठंडी का सीज़न आता है तो हफ्ते में 1 ही बार पानी देते हैं। और पानी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ, इसकी कोई कमी नहीं। काफ़ी पहले तो यहाँ चिड़िया भी नज़र नहीं आती थी, आप देखिए आवाज़ खुद सुन रहे होंगे। अब चिड़िया भी यहाँ चिड़ियों की भरमार हो गई है, जैसे काफ़ी पहले और मुल्कों में अपने यहाँ थी जहाँ हरे भरे इलाके थे, रेगिस्तानी इलाकों में चिड़िया उतनी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत भरमार लगी हुई है। इनका इंतज़ाम ख्याल भी बहुत रखा जाता है, पेड़ों के नीचे पानी भर के रख दिया जाता है और खाने के लिए दाना भी रख दिया जाता है। इसके अलावा आप देखें, ये भी कुछ कच्ची हैं, इनको लगभग 1 महीने और लगेगा तैयार होने में।
ये जो आखिर में खजूर पकती है वो चीज़, वो वैरायटी है।